देख के हौसला मिलता है। इसमें किसी की एज की बात नहीं है, इसमें काफी ओल्ड मैन है। सबसे बड़ी बात है आज हमारे अशंडा गांव के कैप्टन जय सिंह राठी वीर चक्रा जज्जर से अभी आए हैं, गांव उनका यहीं पर है। इतनी एज है उतना हौसला में दे रहे हैं। हम अपने आप को क्यों कमजोर समझें, हम भी आपके साथ चलेंगे, दिल्ली तक साथ चलेंगे। हमने कल उनको रात को क्लियर बोल दिया, गिरफ्तारी करनी कर लो। डीसीपी बोला आपको कर देंगे बंद कर दे सब। बहादुर सिंह ने बोला आपने बंद करना कर देना, हमें हम तो आए इसीलिए आपके पास। आप किसी ने भी डरना बिल्कुल नहीं सर। जय हिंद, नमस्कार। आज है 4 नवंबर 2023 और आज एक ऐतिहासिक पैदल मार्च बहादुरगढ़ हरियाणा से प्रधानमंत्री आवास तक होने जा रहा है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के तत्वाधान में ये मार्च ORP की विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर हो रहा है। इस मार्च के जरिए प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रपति, इन सब का ध्यान आकर्षित करवाना है, क्योंकि इनकी कानों तक अभी तक भूतपूर्व सैनिकों की आवाज़ नहीं पहुंच पाई है। तो इस पैदल मार्च में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने अन्ना हजारे जी को भी निमंत्रण भेजा है। 1 नवंबर 2023 को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व घोषित समयानुसार आदरणीय किशन बाबूराव हजारे अन्ना जी से उनके पैतृक निवास रालेगढ़ सिद्धि महाराष्ट्र में मीटिंग हो चुकी है। ये मीटिंग पूर्णतः सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के साथ भेदभाव और ORP विसंगतियों से संबंधित थी। अन्ना हजारे जी की आने की सहमति से 30 लाख पूर्व सैनिक और 7 लाख वीर नारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ चुकी है। ये पैदल यात्रा सांकेतिक है ताकि कुंभकर्ण की तरह सोई सरकार संबंधित मंत्रालयों को जगाया जा सके। ये पैदल मार्च दिनांक 4 नवंबर 2023 से बहादुरगढ़ हरियाणा से शुरू होगा और 6 नवंबर को शहीद स्मारक इंडिया गेट दिल्ली से प्रधानमंत्री हाउस तक जाएगा, जहां मोदी जी को वन रैंक वन पेंशन का ज्ञापन सौंपा जाएगा। देश के 28 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार वालों से अपील है कि आज 4 नवंबर 2023 को ये पैदल मार्च शुरू होने जा रहा है, कार्यक्रम के अनुसार अपनी मौजूदगी दिखाएं और पैदल मार्च को सफल बनाएं। ऐसा कहना है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी का। आप अपने स्क्रीन पर अन्ना हजारी से आप अपनी स्क्रीन पर अन्ना हजारे जी से जो हुई मीटिंग का वीडियो और फोटोग्राफ भी देख पा रहे हैं। अब वीर बहादुर सिंह जी ने अन्ना हजारे जी से जो रिक्वेस्ट की है उसको आप सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां, फैमिली पेंशनर्स इस मार्च का हिस्सा बन सकें। आगे इस मार्च से जुड़ी हुई जो भी खबर आएगी वो आप सबके साथ में जल्द ही शेयर की जाएगी। जय हिंद। केजरीवाल जो है बैठ करके चीफ मिनिस्टर बन गया, किरण बेदी गवर्नर बन गया। हम लोग का हिडन एजेंडा था नहीं, हम लोग नीचे वालों की सुनी क्या हो गया। इनको देख के हौसला मिलता है, इसमें किसी की एज की बात नहीं है, इसमें काफी ओल्ड मैन है। सबसे बड़ी बात है आज हमारे अशंडा गांव के कैप्टन जय सिंह राठी वीर चक्रा जज्जर से अभी आए हैं, गांव उनका यहीं पर है। इतनी एज है उतना हौसला में दे रहे हैं। हम अपने आप को क्यों कमजोर समझें, हम भी आपके साथ चलेंगे, दिल्ली तक साथ चलेंगे। हमने कल उनको रात को क्लियर बोल दिया, गिरफ्तारी करनी कर लो। डीसीपी बोला आपको कर देंगे बंद कर दे सब। बहादुर सिंह ने बोला आपने बंद करना कर देना, हमें हम तो आए इसीलिए आपके पास। आप किसी ने भी डरना बिल्कुल नहीं सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।